बहुत तेज है यार। मैं नहीं कर सकता भाई, ये मैं नहीं कर सकता, पीना पड़ेगा। तो बहुत कड़वा है, मैंने तो ये ट्राई किया है, आप लोग बिल्कुल भी ये नहीं करिएगा ट्राई घर में, मुझे तो बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना पिक्चर अभी बाकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ मैंने आखिरी ब्लॉग आप लोगों के लिए अपलोड किया है तो वो आपको पसंद आएगा, क्योंकि मेरी आंखें देखें, मैं उस पर मैंने इतनी एडिटिंग करी है ना, मतलब वो जो पूरा शॉर्ट था ना, जो तीनों, जाहिर सी बात है उसमें तीन कंटेंट्स हैं, एक बर्ड्स के हवाले से, एक हैंड्स के हवाले से, और एक जो है वो कुकिंग के हवाले से। तो खैर जो रात गई बात गई, वो आप देखें ना देखें, आपको पसंद आएगा तो आप देखेंगे, आगे शेयर करेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बनाता रहूंगा आगे। खैर आज का चैलेंज है एक बहुत ही टफ चैलेंज है, ठीक है, और शायद ये मेरा पहला चैलेंज होगा जिंदगी का जो मेरे लिए टफ होगा, क्योंकि भाई मैं जो है ना समझ लें बहुत नॉन वेज पर्सन हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब हमारे दीन इस्लाम में कोई वेज नॉन वेज नहीं होता, लेकिन मतलब मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे जो है ना गोश्त बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं सब्जियां बहुत ही कम खाता हूँ। तो आज का जो चैलेंज रखा है ना मैंने, वो समझ लें बहुत ही टफ है मेरे लिए। मैंने 24 घंटे जब जब मुझे भूख लगनी है सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, और वो भी कच्ची। अब अंदाजा लगा है, मैं आपको चल के दिखाता हूँ कौन कौन सी ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो मैं लेकर आ रहा हूँ कल रात को जाके, और अब टेंशन नहीं ले, मैंने भले अपने लिए ही इंतखाब किया, लेकिन इंतखाब खतरनाक ही किया है सब्जियों का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए लाऊं तो खाली जो है वो मीठी मीठी सी और सिंपल सिंपल सी ले, नहीं, दिखाता हूँ मैं आपको मैं कौन कौन सी लाया, जुम करो जुम करो जुम। ठीक है तो चलता है। ओए होए होए देखे भाई साहब, करेला, और देखते हैं और क्या क्या है। ये क्या होती है, बंद गोभी कहते हैं। हाँ ये है, ठीक है, और ये खीरे हैं, और इसमें देखते हैं भाई क्या है, इसमें भिंडी है, टिंडा है, नहीं ये क्या कहते हैं, इसे इसे वो कहते हैं ना शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, हाँ वही, तो ये वो है और ये टिंडा भी है, ठीक है। तो दोस्तों ये शायद पहला चैलेंज होगा जो शायद यूट्यूब पे किसी ने किया हो, लोगों ने फास्ट फूड पे किया है, ठीक है, और काफी सारी चीजों पे किया है, लेकिन ये ग्रीन वेजिटेबल्स कच्ची खानी है, और ये वो देख सकते हैं आप, सिवाय खीरे के ये कितने मुश्किल है इनको खाना, ठीक है। तो पूरा दिन यही खाना है भाई, ठीक है, जितनी बार भी भूख लगेगी यही खाना है, बाकी जो है वो अब घर वालों का तो भाई कसूर नहीं, मुझे अगर ग्रीन वेजिटेबल खानी है तो घर वालों का तो हक है ना कि उनको खाना मिले, तो मैं जाता हूँ जरा उनके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, और मेरा तो भाई यही सीन है, ठीक है। तो अभी देखता हूँ मैं क्या क्या मैं खा सकता हूँ पेट भरने के लिए, बाकी भूख लगती है तो भाई हर चीज अच्छी लग रही होती बात तो सही है। है, ये सीधी बात है, जब भूख लगती है तो आपको हर चीज अच्छी लग रही होती है, ठीक है। तो फिर देखते हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ तो भाई पहला लेवल जो स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, तो मैंने जो ग्रीन वेजिटेबल्स है ना इनको मैंने डिवाइड कर दिया लेवल्स के हिसाब से, क्योंकि यार आपको पता है कि इतना आसान नहीं है कि एक साथ ही मैं करेला, लौकी और ये टिंडा, भिंडी और ये जितनी भी है टिंडा, जितनी भी चीजें हैं, शिमला मिर्च है, इन सबको एक साथ तो मैं नहीं खा सकता, आपको पता है। तो इनको लेवल्स के हिसाब से मैं कर रहा हूँ कि पहला जो है वो मेरा नाश्ता समझ लें ये है, तो ये थोड़ा लाइट रखा है मैंने, इसके अंदर मैंने जो है वो ये खीरा, ठीक है, खीरा रखा है और भिंडी रखी हुई है, सही है, और ये बंद गोभी जो होती है, ठीक है ना, तो ये खाता हूँ मैं, सही है, और फिर जो है मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये खाना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं भाई। बहुत मुश्किल हो रही है यार, पहला लेवल अजीब सा लग रहा है।
पता नहीं अम्मी ने नमक क्यों डाल दिया, दिमाग खराब, नमक की जरूरत ही नहीं थी। Two thousand years later. तो दोस्तों अब जो है वो शाम हो चुकी है, ठीक है, और अब सेकंड लेवल स्टार्ट होने जा रहा है। तो अब देखते हैं यार सेकंड लेवल में कौन कौन सी सब्जी मुझे खाने को मिलती है, और जाहिर सी बात है मुझ पर ही डिपेंड करता है मैं पहले कौन सी खाऊं। तो हमने जो है वो तीन सब्जियां जो है वो खा ली थी पहले लेवल में, एक अब आप देख सकते हैं कौन कौन सी थी। तो खैर अब चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कौन कौन सी बच गई सब्जी। तो ये देख सकते हैं आपकी जो है वो शिमला मिर्च है। तो दोस्तों असल में होता ये है कि जब इतनी सारी सब्जियां एक साथ आप खाते हो ना तो अजीब सा टेस्ट मुंह में बन जाता है, इसकी वजह से ना बहुत मुश्किल होता है। खैर अभी जो है वो हमने मैंने जो सोचा है वो ये सोचा है, अभी लौकी, टिंडा और करेला, ये तीन खाने हैं। दोस्तों मेरा हाल बहुत बुरा होने वाला है क्योंकि मैं उस वक्त भी मुझे अजीब सी तबीयत हो रही थी। खैर जो भी है यार प्लीज़ आप लोग जो है वो इस वीडियोस को सपोर्ट करें ताकि मैं इसी तरीके से कंटेंट बनाऊं। और अगला चैलेंज क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मुझसे काटा भी नहीं जा रहा है क्योंकि आज जो है ना मेरी एनर्जी बिल्कुल लो हुई है, अचानक से मैंने फूड कैटेगरी बिल्कुल ही चेंज कर दी ना, और सुबह से यही खाए जा रहा हूँ। ऑन कैमरा इतना दिख रहा है तो ऑफ कैमरा तो मैंने पता नहीं कितना ही खाया होगा। झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। आप समझ सकते हैं भाई मुझे भूख लगती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अभी ये काट रहा हूँ मैं, काटा भी नहीं जा रहा है यार। इसको बीच गिरा, एक ये इसका दूसरा पीस ये भी काट दिया, और इसको भी इसे काट देता हूँ भाई। जैसा भी कटे यार बस मुंह में आना चाहिए फटाफट। ये देखें हंस रहा है, कितना कितना बड़ा बना रहता है, हंस रहा है मुझ पे। ये देखें ये दोनों आंखें और ये मुंह हंस रहा है, ये देखें सब्जी भी हंसी मुझ पे, ठीक है दोस्तों। तो उसको मैंने इतना इतना जो है वो काट लिया, ठीक है। अब जरा लौकी काटता हूँ, तो काटने के बाद मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों काट तो लिया है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही, बस हवा निकल गई। इतना मुश्किल टास्क है ना मेरे लिए कसम से। तो इनमें सबसे इजी है लौकी, पहले लौकी खाता हूँ। शिमला मिर्च, करेला, पानी पी के मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों करेला खाने के बाद अम्मी ने बताया कि बीज तो फेंकना होता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बाकी चीजें खाता हूँ यार, नहीं खाया जा रहा मुझसे। बस भाई मेरा पेट भर गया। तो दोस्तों अब आखिरी टास्क है ये मिर्चें खानी है, और मुझे बहुत मुश्किल होगी मुझे लग रहा है इसके अंदर, क्योंकि मैंने अब तक जितनी भी सब्जियां पिछली खाई उनमें हर तरीके का टेस्ट था लेकिन उसके अंदर स्पाइस नहीं थी, लेकिन इसमें
स्पाइस आपको पता है, स्पाइस मिर्चे में ही तो होती है सबसे ज्यादा। तो अब देखते हैं यार ये मैं खा पाता हूँ या नहीं। और दूसरी तरफ एक चैलेंज और है, अम्मी ने बोला है अगर तुम में इतना ही कोई दम है ना, तो इतनी तुम में कोई हिम्मत है, तो तुम जरा ये पी के दिखाओ करेले का जूस, क्योंकि तुम सब्जियां तो कोई भी खा लेता है, पी के दिखाओ। तो अब देखते हैं क्या होता है, ट्राई करके देखता हूँ मैं ये खा पाऊंगा कि नहीं। तो बिस्मिल्ला, बहुत तेज है यार। मैं नहीं कह सकता भाई, मैं नहीं कह सकता, पीना पड़ेगा। बहुत मुश्किल हो रही है यार। उसको बहुत कड़वा है। मैं भाई आपसे थोड़ा सा कहता हूँ, मैंने तो ये ट्राई किया है, आप लोग बिल्कुल भी ये नहीं करिएगा ट्राई घर में। बस दोस्तों ये मेरा आज का व्लॉग था, और मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकता मैंने इस वक्त किस तरीके से ये किया। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इस वीडियो को जितना हो सके आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।